Hey there, this is Pranshu Verma and let's get start our first lecture on kinetic theory of gases. Okay, kinetic theory of gases ये एक बहुत important concept था जो कि हमारे को दिया किसने बोला kinetic theory of gases ये हमारे को दिया मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने. ठीक है, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन वर द टू ग्रेट साइंटिस्ट जिन्होंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर्स दिया था. लेकिन हम केवल और केवल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे. उन्होंने मैटर्स दिया था, उन्होंने और डीप में स्टडी किया था सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के लिए. ठीक है, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे, केवल गैस, और गैस में भी कौन सा, आइडियल गैस. कौन सा गैस, आइडियल गैस. लेकिन वो सब चीज़ें पढ़ने से पहले हमें थोड़ी सी बेसिक नॉलेज रखनी चाहिए इस चैप्टर के लिए, और कुछ चीज़ें हैं जो आपको इम्पोर्टेंस रखती हैं समझने के लिए. तो आज जो चैप्टर है वो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, जिसमें हम गैसेस के बाद में समझेंगे, सॉरी, और क्या नाम, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, ठीक है, उसमें हम पूरा डेरिवेशन करके ख़त्म कर देंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को. ठीक है, दो ही चैप्टर में, दो ही लेक्चर में ख़त्म. ओके, और फिर नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें इसके क्वेश्चन होंगे, और इसके जो क्वेश्चन होंगे उसमें कोई खास चीज़ है नहीं क्वेश्चंस में, तो हम उसके जो बोर्ड लेवल के जो क्वेश्चन है और जो मेंस लेवल के क्वेश्चन है वो एक ही लेक्चर में ख़त्म करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. और स्टार्ट कहानी होती है कहाँ से, स्टार्ट कहानी होती है बॉयल्स से. कहाँ से, बॉयल्स से, बॉयल्स. ठीक है, सारी कहानी यहाँ से स्टार्ट हुई थी. बॉयल्स ने बोला कि भैया यदि आप एक काम करते हैं कि आप फॉर द आइडियल गैस, फॉर द आइडियल गैस, पहली बात तो आइडियल गैस ली थी उसने. ठीक है, माना था ऐसी कोई चीज़ है नहीं दुनिया में. और उसने कहा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट टी इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है, जो ये चैप्टर है ना थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी, इनमें अजम्पशन ही है, सब हवाबाजी है. ठीक है, सब कुछ हवा में चल रहा है. तो यदि टेम्परेचर कांस्टेंट करके आइडियल गैस को देखा जाए, ठीक है, तो उसने बोला कि जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के. ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के. यहाँ से उसने एक चीज़ बोली कि पी वी इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है, यहाँ से उसने एक चीज़ और बोली कि पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू. पी टू वी टू इसको हम थर्मोडायनेमिक्स में खूब यूज़ करें, है ना. चलिए, तो यहाँ से उसने एक रिलेशन दिया, रिलेशन के थ्रू उसने एक कर्व दिया. ठीक है, बॉयल्स लॉ में यदि आपको कोई बोलेगा कि बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट लिखो, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फॉर द आइडियल गैस एट टेम्परेचर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस. ओके, ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा. ठीक है, अब जैसे इन्होंने कर्व बनाने की कोशिश की प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, या मैं एक काम करूं, वॉल्यूम को उधर रखता हूं, प्रेशर को इधर रखता हूं, ठीक है, तो उसको कर्व मिला कुछ ऐसा, कुछ ऐसा. ठीक है, इन्वर्स कर्व, थोड़ा सा और सही बना देता हूं मैं. ठीक है, ठीक है, लेकिन जब उसने आइडियल गैस के लिए बनाने की कोशिश की, आइडियल गैस के लिए बनाने की कोशिश की, तो आइडियल गैस के लिए वो ऐसा नहीं मिला, वो थोड़ा सा ऐसा मिला. ओके, आगे जाके कहीं मिल गया होगा. आइडियल गैस के लिए ये मिला, और सॉरी, ये आइडियल गैस के लिए था, सॉरी भाई, आइडियल गैस के लिए ये मिला, और रियल गैस के लिए जब उसने बनाने की कोशिश की तो रियल गैस के लिए ये मिला. जैसे उसने टेम्परेचर इंक्रीज करा, एट टेम्परेचर टी, एट टेम्परेचर टी, जैसे उसने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो जो सेपरेशन था आइडियल और रियल गैस के बीच के कर्व का वो कम हो गया. ठीक है, तो ही गेज स्टेटमेंट कि एट हाई प्रेशर, ओ सॉरी, हाई टेम्परेचर गैसेस, रियल गैसेस, कौन सी गैसेस, रियल गैसेस बिहेव्स लाइक
आइडियल गैस, ठीक है, बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस, आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगी, कौन भला, रियल गैसेस, कहाँ, एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर पे, ओके। ये सब था बॉयल्स लॉ का कमाल, किसका कमाल था, बॉयल्स लॉ का, हटा दो उसको, चल उतार लिया होगा आप लोगों ने। अब आई थी चार्ल्स की बारी, इसके बाद आएगी किसकी बारी है, चार्ल्स की, चार्ल्स लॉ, चार्ली बाबू बोले कि ठीक है आप क्या काम करो, आप एक काम करो कि आपने बोला कि ठीक है, आप बोल रहे हो कि आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया और वी और पी के बीच में कर्व बनाया, ओके, हम करते हैं फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, उसने भी आइडियल गैस ही ली, एट प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट, उसने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, बाप रे बाप, ठीक है, उसने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, उसने कहा कि एट प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट द वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, और जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, पहले क्या था कि वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम कम करोगे प्रेशर बढ़ेगा, ओके, तो इसने ये चीज़ कही, इसका मतलब इसने कहा कि भैया वी वन अपॉन वी टू कम्स इक्वल टू टी वन अपॉन टी टू, या वी बाई टी इक्वल टू कंस, वी बाई टी इक्वल टू कंस, कंस मामा, ओके, ही सेड दैट दीज थिंग्स, ओके। जैसे ही उसने कर बनाने की कोशिश की किसके बीच में, वी टी के बीच में, तो ऑब्वियस बात है क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, एट स्ट्रेट लाइन आएगी, ओके, ठीक है, देखा गया कि यहाँ पे भी रियल गैस और आइडियल गैस के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन वो अंतर, वो डिफरेंस लो टेम्परेचर पे ज़्यादा है और हाई टेम्परेचर पे कम है, दिस डिफरेंस इज लार्ज व्हेन द टेम्परेचर इज लो एंड द टेम्परेचर गोज हाई द डिफरेंस गेट लो। इसका मतलब यहाँ पे भी चार्ल्स ने भी, चार्ली ने भी साफ साफ बोल दिया कि एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस। अब देखो ये सब चीज़ें समझने के लिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, आपको समझना पड़ेगा आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट क्या था, और आइडियल गैस के कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, धीरे से सीखेंगे, अभी नहीं सीखेंगे, समझ में आया, समझ में आया, हटाओ, चलो अब इसके बाद आया अवोगैड्रो, इसके बाद कौन आया, अवोगैड्रो, व्हाट ही सेड, अवोगैड्रो लॉ, इसने अलग कॉन्सेप्ट लगा दिया, ठीक है, इसने अलग कॉन्सेप्ट लगा दिया, इसने बोला कि ठीक है फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस एट टी एंड पी इक्वल टू कांस्टेंट, इसने दोनों ही कांस्टेंट कर दिया, अभी तक तो एक वेरी कर रहे थे, एक कांस्टेंट कर रहे थे, इसने दोनों ही वेरी कर दिए, इसने बोला कि एट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गिवन वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट। इसने और कुछ बोल दिया, इसने और ही कुछ बोल दिया, इसने बोला कि जो V है वो नंबर्स ऑफ मोल या नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऑब्वियस ही बात है, देखो एक मोल में अवोगैड्रो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, तो इसने
मोल्स के नंबर को यदि प्रोपोर्शनल किया तो सीधी सी बात है मॉलिक्यूल्स के नंबर भी प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज करोगे वैसे वैसे नंबर्स ऑफ मोल इंक्रीज होंगे। इसने जादू बात कर दी कि यदि मेरे हाथ में पी प्रेशर और टी टेम्परेचर पर हाइड्रोजन गैस रखी है जिसके मेरे पास 10 मोल हैं। ठीक है, मान लो टेम्परेचर पी और टेम्परेचर टी और पी प्रेशर पर मेरे हाइड्रोजन की गैस रखी है जिसके 10 मोल मेरे पास है और वॉल्यूम उसका वी है। मैंने सेम प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम पे दूसरे हाथ में O2 गैस रख ली, हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन रखी, तो मैंने पाया कि नंबर्स ऑफ मोल इसके भी उतने ही हैं जितने इसके। नंबर्स ऑफ मोल डिपेंड नहीं करते अब मटेरियल पे या गैस पे, कौन सी गैस ले रहे हो आप, आइडियल गैस ले रहे हो, रियल गैस ले रहे हो, कोई मतलब नहीं है। प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम सेम रखो, गैस कोई सी भी हो, नंबर्स ऑफ मोल सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये कंसेप्ट दे दिया इसने। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो नंबर्स ऑफ मोल चेंज हो जाएंगे। ओके, तो ये सारी चीज इसने अवोगाड्रो ने तीसरी बात दे दी, मतलब सीधी सी बात है यहाँ से रिलेशन मिला V1/V2 = N1/N2। ओके या V/N = constant। ओके, कोई दिक्कत, हटा दूँ। चलो देखो, इसका कोई कारण नहीं था। इसके बाद आया आइडियल गैस इक्वेशन। देखो सीधी सी बात है, सब लोग परेशान थे, तीन तीन लॉ पढ़ने पड़ रहे थे, चार चार लॉ पढ़ने पड़ रहे थे, तो फायदा कुछ नहीं था कि एक ही लॉ बना देते हैं, तीनों को मर्ज कर दो। तीनों में देखा गया कि V is directly proportional to T और V is directly proportional to N। ठीक है, यहाँ पे एक प्रेशर एक और फॉर्मूला होता है जो P is directly proportional to T का होता है, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको हटा दो उसको। तो यहाँ पे हर जगह V है, V कर दिया, यहाँ पे जिस हिसाब से चीज़ें बनी हुई हैं उस हिसाब से रख दी। ओके, और बोला कि V is directly proportional to N T upon P। ठीक है, यहाँ से P को उस तरफ भेज दिया तो P V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N इंटू T। ठीक है, इससे हमें साफ पता चलता है कि P1V1/P2V2 will come equal to N1T1/N2T2। ठीक, और दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन वॉज रिमूव्ड बाई द गैस कॉन्स्टेंट, इंट्रोड्यूसिंग द गैस कॉन्स्टेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाई R, विच इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट एंड हुज वैल्यू इज 8.314 है, और इसकी जो यूनिट होगी वो जूल पर मोल केल्विन है ना। इसके बारे में हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, काफ़ी डिस्कशन हमारा हो चुका है इसके बारे में, हुआ है कि नहीं। तो यहाँ से आइडियल गैस इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब आइडियल गैस इक्वेशन आई तो हमने यहाँ से कुछ कर्व बनाने की कोशिश की, क्योंकि देखो साइंटिस्ट लोग हैं पागल हैं। यहाँ से एक चीज़ देखी गई कि P V/N T = constant, that is equal to R। ठीक है, P V/N T = constant। If N = 1 mole, तो PV/T = R। ओके, तो यहाँ से इन्होंने एक कर्व बनाया फिर से। ठीक है, कर्व बनाया जहाँ पे PV/T का कर्व था विद रेस्पेक्ट टू P के रेस्पेक्ट में, P की वैल्यू चेंज करी और PV/T की कर्व बनाया। तो ऑब्वियस ही बात है आइडियल गैस के लिए वो किसकी वैल्यू आएगी, हमेशा R आएगी। या इसको मैं डार्क कर दूँ, दिस विल बी R फॉर आइडियल गैस। ओके,
अब देखा गया व्हाट वाज सीन कि फॉर द रियल गैसेस ये कर्व कुछ ऐसा था, ठीक है, ये ऐसा था, ठीक है, ऐसा था। यहां पे ये टेम्परेचर T1 ले लो, ये T2 और ये T3, ठीक है। अब देखा गया कि T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, मतलब हमारा वो स्टेटमेंट अभी तक सही है कि ये कर्व पे ना लिख देना, बाहर लिखना, मैं तो यहाँ पे जगह नहीं है, मैं मिटाना नहीं चाह रहा। एट हाई टेम्परेचर रियल गैसेस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। एन आइडियल गैस, लेकिन एक चीज और देखी गई कि यदि हम रियल गैस को लो प्रेशर पे रखें, लो प्रेशर पे यहां पे, ठीक है, तो इट वाज सीन दैट कि इफ वी टुक द रियल गैसेस एट लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, वी सी दैट रियल गैसेस आर बिहेविंग लाइक एन आइडियल गैस। इसका कारण है, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो ये कर्व दिख नहीं रहा क्या आपको? लोड प्रेशर क्या आई है, ये प्रेशर है ना, ये प्रेशर P1, ये P2 तक है, ये आगे, ठीक है। लेकिन जैसे आके प्रेशर देखो यहाँ पे बढ़ गया, तो आगे हाई प्रेशर पे वो कभी भी नहीं बनने वाली है, क्यों उसके बारे में भी सोचेंगे हम लोग, ठीक है, अभी बताएंगे हम, ठीक है। सो यहाँ से एक डिस्कशन और निकल के आया, ओके, अब तो मुझे हटाना ही पड़ेगा। यहां से एक डिस्कशन और निकल के आया है कि एट लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर रियल गैसेस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस। अब ध्यान से देखो यहां पे चीजें कैसे बदलेंगी, कैसी चीजें, उतार लो पहले तो इसको, देखो ध्यान से सुनो, मैं लो प्रेशर की बात कर रहा हूं। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द लो प्रेशर, दैट मींस कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आराम से फ्रीली घूम सकते हैं, हाँ या ना, आप पे प्रेशर नहीं है, मतलब आप पे प्रेशर नहीं है तो आप फ्रीली घूम सकते हो ना, तो मॉलिक्यूल्स भी जो हैं वो बहुत दूर दूर हैं, बहुत दूर दूर होने के कारण व्हेन मॉलिक्यूल्स आर वेरी वेरी फार, बहुत दूर दूर हैं, ठीक है, बहुत दूर दूर हैं, तो इनके टकराने की एक दूसरे से टकराने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, जो एक दूसरे से टकराने की प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, और इसी ही वजह से जो हमारा टकराने की वजह से टकराने की वजह से जो हीट एनर्जी लॉस होगी या काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी मॉलिक्यूल्स की, वो हीट की फॉर्म में निकलेगी, तो वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा कि कोलिजन हो ही नहीं पा रहे हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, कोलिजन हो ही नहीं पा रहे हैं एट लो प्रेशर। और आइडियल गैस में आपको एक बात बता दूं कि आइडियल गैस मानता है कि देयर इज नो इंटर मॉलिकुलर फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस। अब इसी लिखेंगे ये सब चीजें, ठीक है क्या बोला मैंने बोला कि देर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस, ओके। सो यदि ऐसा नहीं है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल नहीं करेंगे, ऑब्वियसली बात है, मॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स वो अट्रैक्टिबल होता है, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो कोलिजन होने की प्रोबेबिलिटी भी कम होगी, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि लो प्रेशर पे ये होता है,
ओके, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब वे दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करने वाले, तो कोलिजन नहीं है, ठीक है। और यदि कोलिजन हुए भी, इफ कोलिजन हुए भी, तो कोलिजन होंगे इलास्टिक कोलिजन, कौन सा कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, वो भी हम देखेंगे, वो आइडियल गैस में होते हैं, ठीक है, तो सब चीज़ें हम तब पढ़ेंगे। ओके, फिर हाई टेम्परेचर की बात करूँ, क्योंकि हाई प्रेशर पे मैं बिल्कुल नहीं करने वाली। हाई प्रेशर का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल बहुत पास पास आ गए, बहुत पास आएंगे तो सही बात है, उनकी कोलिजन होंगे, डिशुम डिशुम करेंगे, और डिशुम डिशुम करेंगे तो शायद उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स भी आ जाए। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई नज़दीक आने लगता है तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो होने लगता है ना, कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे राज, है ना। अरे वाह सर, कितनी सीरियसली बोल गए, ठीक है, पता ही नहीं चला कब बोलिए, ठीक है। तो कुछ कुछ होगा, कुछ कुछ होगा, कुछ कुछ होगा कि वो क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स आएगा। तो हाई प्रेशर पे इंटरमोलिकुलर फोर्स दो गैसों के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने लगेगा, इसीलिए वहाँ पे चीज़ें क्या आ जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ओके ओके, जितना जितना मॉलिक्यूल्स दूर जाते जाएंगे, उनकी कोलिजन के बीच की, बीच का जो कोलिजन है वो काम खत्म होने लगेगा। वो दूसरी बात है, कोलिजन खत्म होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, इंटरमोलिकुलर फोर्स खत्म हो जाएगा, उसकी वजह से जो गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगेंगी। बहुत बड़े बड़े फैक्टर हैं ये जो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं। हाई टेम्परेचर की क्या बात है, हाई टेम्परेचर पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो अपने आप में इतनी काइनेटिक एनर्जी रखेंगे कि इतनी तेज़ी से जाएंगे, यदि हिट भी करें किसी को तो इलास्टिकली हिट करेंगे। ध्यान से सुनो कि यदि मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल को हिट भी करेगा तो सब एक दूसरे से काइनेटिक एनर्जी लेके दूसरे को दे देंगे, एक दूसरे से लेके एक दूसरे को दे देंगे, तो ऑल द कोलिजन्स जो होंगे एट हाई टेम्परेचर, वो सारे के सारे कैसे होंगे, वो सारे के सारे होंगे इलास्टिक कोलिजन। और यदि इलास्टिक कोलिजन होता है तो देर विल बी नो लॉस, और यदि लॉस नहीं होगा तो वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे जो गैसेज होती हैं, रियल गैसेज, ऑलमोस्ट बिहेव लाइक ए आइडियल गैस। हटा दूं, चलिए अब देखो, अब तुम्हें दो डेफिनेशन पढ़नी जरूरी है, उसको पढ़ने के बाद हम पोस्टुलेट देखेंगे, ठीक है, ठीक है। पहली है मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का मतलब है कि वो पाथ जिसमें फ्रीनेस होगी, और उसका मीन एवरेज निकाला है हमने, क्या निकाला है, एवरेज, ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए मीन फ्री पाथ क्या है। हाँ देखो, किसी भी रियल गैस के या आइडियल गैस की बात कर लें हम, मॉलिक्यूल्स हैं, अच्छा देखो तीन में देखते हैं ज़्यादा, नहीं तो पिच पिच हो जा, है ना। ये मॉलिक्यूल इसको टकराया, ठीक है, या ये मॉलिक्यूल इसको टकराएगा, ये इसको टकराया, ये इसको टकराया, या ये इसको टकराया, ओके, यही तो तीन केस हो सकते हैं इसमें, ये इसको टकराए, इसको टकराए, ये इसको टकराए या इसको टकराए, और ये इसको टकराए या इसको टकराए, ठीक है, यही तो तीन केस हो सकते हैं। तो दिस पाथ, ये जो छोटा पाथ है जिसमें उसने कोई टकराव नहीं किया, ये लैम्डा वन, ये पाथ जिसमें कोई टकराव नहीं हुआ, लैम्डा टू। अच्छा एक ही मॉलिक्यूल का लूँ तो एक ही मॉलिक्यूल का तो केवल ये है, ओके, लैम्डा टू, ओके, ये हो सकता है, या तीसरा मॉलिक्यूल कोई ठा के दे दो इसको, ये लैम्डा थ्री। इस तरीके से उसके पास कई सारे पाथ हैं जिन पे वो टकराया है या टकरा सकता है, पता नहीं कितने, ओके, ठीक है, ठीक है। चलिए हम क्या करें कि हम इनको सबको ऐड करें, सबको ऐड करें, कितने भी होंगे, इन्फिनिटी होंगे, पता नहीं कितनी कोलिजन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और उसको डिवाइड कर दें नंबर्स ऑफ कोलिजन से। ये क्या है, नंबर्स ऑफ कोलिजन,
नंबर्स ऑफ टकराना, कितने टकराव हुए, और ये क्या है, ये दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का डिस्टेंस है, टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच का डिस्टेंस है, इसको हम बोलेंगे लैम्डा, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, एम एफ पी। ओके, इसकी यदि डेफिनेशन दोगे तो डेफिनेशन लिख लो इसकी, चाहे आप लोग मीन फ्री पाथ की, कि मीन फ्री पाथ इज द एवरेज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाई एन इलेक्ट्रॉन सॉरी कवर्ड बाई एन मॉलिक्यूल, अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव और सक्सेसिव कोलिजन, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव और सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, एक तो चीज ये है, ओके, और दूसरा है एवरेज टाइम पीरियड, ये क्या है एवरेज टाइम पीरियड, क्या भाई, यहां से यहां तक आने में टाइम लगा टाउ, यहां से यहां टाउ टू, यहां से यहां टाउ थ्री, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सेम, यही नाम है अलग, टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री डिवाइडेड बाई नंबर्स ऑफ कोलिजन। ये डिब्बा क्या कहलाएगा, एवरेज टाइम पीरियड या मीन टाइम, ओके, आप इसको मीन टाइम भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल रहा हूँ आपकी मर्जी है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि द टाइम एवरेज टाइम टेकन बाई एन बाई अ मॉलिक्यूल बाई अ मॉलिक्यूल बिफोर टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है, दो कोलिजन्स के बीच में जो टाइम लिया किसी मॉलिक्यूल ने उसको हम बोलेंगे, ठीक है। अब देखो यही चीज़ आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ी है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बीच का था कि नहीं था, था कि नहीं था, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बीच का था, है ना, कि इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन कर रहा था, जिगजैग मोशन के थ्रू दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस टाइम था वो था ही टाउ, हमने डेरिवेशन में यूज़ किया था, याद करो यदि याद हो तो, ठीक है, तो ये चीज़ है किसकी भला, ये टाइम की है, ठीक है, ओके, काम ख़त्म करूँ, चलिए, ओके, अब देखते हैं भैया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ने के बाद पहले हम लोग देखेंगे उसके पोस्टुलेट, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, और सबसे पहले हम इसके देखते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पोस्टुलेट, पोस्टुलेट या अजम्पशन, दोनों बात एक ही है, ध्यान से सुनते जाओ, तीन चार हैं मतलब हैं तो कई सारे, हम लिखेंगे सबके सब, तो सबसे पहले तो हम मानते हैं कि सबसे पहले देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है, आइडियल गैस के बीच में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं लग रहा। दूसरा, द वॉल्यूम कवर्ड by the molecules, volume covered by the molecules is negligible in compare with the volume covered by the gas, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या कह रहा है पोस्टुलेट सेकेंड वाला, कि जो
ये कोई डिब्बे में मैंने यदि कोई आइडियल गैस भर दिया, ठीक है, तो अब उसके मॉलिक्यूल्स हैं, मैं सारे मॉलिक्यूल्स को रख दूँ यहाँ पे, सारों मिला के एकदम मिला के रख दूँ, मिला के एकदम, तो ये जितना वॉल्यूम कवर करेंगे वो नेग्लिजिबल है इस वॉल्यूम के सामने, ऑब्वियस ही बात है, बहुत छोटा होगा, इतना भी नहीं होगा, इससे भी छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा, इतना छोटा होगा कि नेग्लिजिबल मानेंगे हम उसको, कितना मानेंगे, नेग्लिजिबल, ठीक है, ये बात कर रहा है। ओके, तो दिक्कत छींक आ रही थी, आई नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। ऑल कोलिजन्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, गैस एटम बोल दूं मैं, गैस एटम बोल, विल बी कौन सा, इलास्टिक कोलिजन, विल बी इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, मतलब जितना भी कोलिजन हो रहा है वो सब कोलिजन कौन सा है, इलास्टिक कोलिजन है, मतलब कोई भी आपका जो जो लॉस होता है ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो यहाँ हो ही नहीं रहा है, वो हो ही नहीं रहा है, ऑब्वियस सी बात नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स तो है ही नहीं, तो अट्रैक्शन है ही नहीं, कुछ और फोर्स है ही नहीं। ओके, चौथा देखो, द ग्रेविटेशनल फोर्स या ऐसा लिखूं, रुक जाऊं, द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन गैस एटम इज नेग्लिजिबल या जीरो, ठीक है, मतलब उनके लिए तो सब जगह स्पेस है, ऑब्वियस ही बात है, वो उनकी वजह से तो हमें लगता है कि यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो उनको क्या हमारी वजह से नहीं लगेगा कि यहाँ पर स्पेस, उनके लिए तो सब कुछ स्पेस में है, सब कुछ स्पेस में है, क्योंकि उन पर ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि साइज जो है एटम का वो बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही छोटा है, ठीक है, इतना छोटा है कि उस पर कोई फोर्स, ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा भी, वो नहीं लग रहा, ठीक है, वो कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। तो ये चार पोस्टुलेट्स हैं जो मेन हैं, ठीक है, जो काइनेटिक थ्योरी को पढ़ने में आपके काम आएंगे। ओके, और ऑब्वियस ही बात है, द गैस हैज बीन टेकन दैट इज आइडियल गैस, ठीक है, तो गैस विल बी आइडियल गैस, गैस कौन सी होगी, आइडियल गैस होगी, मतलब बॉयल, चाल, सब अवोगैड्रो सबको फॉलो करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो देखो इसके क्वेश्चन तो आसान होंगे, सॉरी इसका जो जो डेरिवेशन है वो तो बहुत आसान है, ठीक है, तो इनको उतार लो और डेरिवेशन हम कल देखेंगे, इसका डेरिवेशन अच्छा है, और कल ही इस चैप्टर की समाप्ति की घोषणा मैं कर दूंगा, हाँ ख़त्म, फिनिश, ठीक है, तो इसको उतार लो और फिर मिलते हैं कल को, थैंक यू एवरीवन।